तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग, आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, इसी के साथ मजे में होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि जून 2018 में कुछ स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले हैं। अगर इसी के साथ आप कोई नया स्मार्टफोन खरीदने वाले हैं तो थोड़ा टाइम रुक जाइए और जून 2018 में जो फोन लॉन्च हो रहे हैं उनके बारे में जान लीजिए, उनके स्पेसिफिकेशन क्या है, तो शायद आपका मन बदल जाए और आप उन स्पेसिफिकेशन के साथ उन स्मार्टफोन की तरफ चले जाएँ। इसके साथ आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे ही स्मार्टफोन के बारे में बात करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश और आप देख रहे हैं वाई के टेक्निकल्स के फ्रेश एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए फिर आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अपने सबसे पहले स्मार्टफोन की बात करूँ जो कि जून 2018 में लॉन्च होने वाला है, वह है मोटो का G6 और G6 Play। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं मोटो G6 के कुछ स्पेसिफिकेशन की। तो फोन में आपको देखने को मिलता है 5.7 इंच की फुल HD प्लस स्क्रीन, जिसका स्क्रीन रेजोल्यूशन 1080p मल्टीप्लाई 2160p दिया गया है। इसके साथ बात करूँ फोन में लगे हुए रैम की, तो फोन में आपको 4GB रैम के साथ 32GB की इंटरनल और साथ ही 64GB की इंटरनल के दो वेरियंट देखने को मिल जाते हैं। अगर बात करूँ फोन में लगे हुए प्रोसेसर की, तो फोन में आपको देखने को मिलता है 1.8GHz पर काम करने वाला क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 450 प्रोसेसर। दोस्तों इसके साथ बात करूँ फोन में लगे हुए कैमरा की, तो फोन के रियर में आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें से एक 12MP के सेंसर के साथ आता है और एक आता है 5MP के सेंसर के साथ। दोस्तों फ्रंट की बात करूँ तो फ्रंट में आपको 16MP का सेंसर देखने को मिल जाता है। इसके साथ बात करूँ फोन में लगे हुए बैटरी की, तो फोन में आपको 3000mAh की बैटरी देखने को मिलती है और फोन में आपको OS एंड्रॉयड का ओरियो देखने को मिल जाता है। दोस्तों आप मोटो G6 के बाद बात कर लेते हैं मोटो G6 Play की, तो फोन में आपको देखने को मिलता है 5.7 इंच की HD प्लस स्क्रीन, इसके साथ 18:9 का एक्सेप्ट स्क्रीन रेशियो देखने को मिल जाता है। दोस्तों बात करूँ वेरिएंट की, तो आपको इसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, 2GB रैम के साथ 16GB इंटरनल और 3GB रैम के साथ 32GB इंटरनल। दोस्तों इसके साथ बात करूँ प्रोसेसर की, तो फोन में आपको देखने को मिलता है 1.4GHz पर काम करने वाला क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 427 प्रोसेसर। इसके साथ अगर मैं बात करूँ फोन में OS की, तो फोन में एंड्रॉइड का ओरियो आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों बात करूँ फोन में लगे हुए कैमरा की, तो बैक में आपको 13MP का कैमरा देखने को मिलता है, साथ ही फ्रंट में आपको 8MP का कैमरा देखने को मिलता है। दोस्तों इसी के साथ फोन को पावर देने के लिए फोन में 4000mAh की काफ़ी बड़ी बैटरी दी गई है। दोस्तों अपने अगले स्मार्टफोन की बात करूँ जो कि जून 2018 में लॉन्च होने वाला है, वो है Xiaomi Redmi का S2 या फिर कह लें Y1। दोस्तों अभी इंडियन मार्केट में किस नाम से लॉन्च होता है इसके बारे में भी कोई भी जानकारी खुल के सामने नहीं आई है, लेकिन S2 या Y1 के नाम से ही इंडिया में लॉन्च होगा। दोस्तों इसके साथ फोन के कुछ स्पेसिफिकेशन की बात करूँ, तो फोन में आपको 5.99 इंच की फुल HD स्क्रीन देखने को मिल जाती है। इसके साथ आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 625 प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा ऑप्शन होने वाला है। दोस्तों इसके साथ आपको 4GB रैम के साथ 64GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलती है, जो भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। इसके साथ अगर कैमरा की बात करूँ, तो बैक में आपको डुअल कैमरा सेटअप तो देखने को मिलता है, लेकिन कितने मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिलता है इसके बारे में कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। इसके साथ फ्रंट में आपको 16MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, ये भी काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन होने वाला है। दोस्तों इसके साथ अगर बैटरी की बात करूँ, तो फोन में आपको 3000mAh की बैटरी देखने को मिलती है, साथ ही फोन में आपको एंड्रॉइड का ओरियो देखने को मिलता है, जो कि पी में भी अपडेट हो जाएगा बाद में। इसके साथ अगर आप जून में कोई नया स्मार्टफोन खरीदने वाले हैं, तो Y1 या फिर कह लें S2 एक आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अपने अगले स्मार्टफोन की बात करते हो, यह है LG का G7 ThinQ। फोन की अगर स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो फोन में आपको 6.1 इंच की QHD प्लस फुल व्यू डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। इसके साथ फोन में अगर प्रोसेसर की बात करूँ, तो फोन में आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 845 प्रोसेसर देखने को मिलता है। दोस्तों अगर रैम की और स्टोरेज की बात करूँ, तो फोन में आपको 4GB रैम के साथ 64GB इंटरनल और 6GB रैम के साथ 128GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाती है। दोस्तों इसके साथ अगर बात करूँ कैमरा की, तो बैक में आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसमें से एक कैमरा 16MP के साथ आता है, तो दूसरा कैमरा 16MP के साथ भी आता है, और इसके साथ फ्रंट में आपको 8MP का कैमरा देखने को मिलता है। दोस्तों फोन में आपको 3000mAh की बैटरी दी गई है, साथ ही फोन में आपको AI से रिलेटेड कैमरा के कई सारे फीचर देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों फोन में एक और अच्छे फीचर की बात करूँ, तो फोन में आपको IP68 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है, यानी आपका फोन वाटर प्रूफ प्लस डस्ट प्रूफ भी है। दोस्तों इसके साथ फोन में आपको और भी कई सारे नए फीचर देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों इसके साथ ये थे कुछ टॉप स्मार्टफोन जो कि जून 2018 में अभी लॉन्च होने वाले हैं। इसके साथ आप कुछ टाइम रुक जाइए अगर कोई नया स्मार्टफोन खरीदने वाले हैं, और कुछ टाइम बाद चूज कीजिए कि आपको कौन सा स्मार्टफोन लेना है, जिससे कि आपको एक वैल्यू फॉर मनी डील मिल सके। दोस्तों इसी के साथ आज की इस वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ कि आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी जानते ही हैं, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।